नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों, अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश में आयोग से ज़्यादा न्यूज़पेपर वाले ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें ज़्यादा खबरें होती, इतना आयोग को भी नहीं खबर होती। हालांकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि न्यूज़पेपर वाले तो डेली निकाला करते हैं, बट ये खबर कहीं ना कहीं एकदम सटीक खबर है और आने वाले अपकमिंग मंथ्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पूरा, जो आपका एक नया नियमावली रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि विधानसभा परिषद में जो भर्तियाँ हैं वो आयोग से करें। कौन सा आयोग? UP SSSC। एक खुशी भी है कि अभी तक जो होता क्या था, मैं आपको बता दूं कि जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, विधानसभा और विधान परिषद में जनरली जो समूह का कानी समूह खा और गा की भर्तियां निकलती थी, जिनमें RO ARO और उनके नीचे जैसे गा पद होते थे, जिनमें अपने क्लर्क लेवल के होते थे, चपरासी लेवल के होते थे, बहुत सारे पोस्टें होती थी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य ये था कि वहां पे जो बैठे, क्योंकि विधानसभा है, विधान परिषद है, और वहां पे मंत्रियों का सीधा ही अपना क्या होता था, सीधा ही लिंक होता था, और उनके चिट्टे बट्टे जो होते थे, या उनके भाई भतीजा बात बोल दो, नेपोटिज्म बोल दो, सही शब्दों में, थोड़ा कूल शब्दों में, तो वहां पे या तो संविदा पे और या पे वो क्या करते थे, डायरेक्ट ही उनकी भर्ती करा देते थे। बहुत सारे ऐसे केस आए थे, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे। ये बिल्कुल सटीक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी अगर थोड़ा बहुत सरकारी लोगों के साथ में आप होते हो गए, या मंत्री लोगों के साथ में अगर थोड़ा भी पकड़ होगा, तो आप इस बात को जानते हो कि विधानसभा विधान परिषद में कैसे 15-15 20-20 लाख में सीटें बिकती थी। अभी पिछली बार भी वर्ष 2020-21 में भी एक क्या आया था, नोटिफिकेशन आया था RO ARO दोनों के लिए, विधानसभा में अलग, विधान परिषद में अलग, और उसमें जो पेपर हुआ था उसमें एक असफल विद्यार्थी ही, जो कि हालांकि पास नहीं कर पाया, बट खुन्नस से, क्योंकि उसे थोड़ा सा भनक लगा था, उसने याचिका दायर कर दी थी कि ये जो नियम होते हैं उनके अगेंस्ट में जाके इनकी भर्तियां संपन्न कराई जाती हैं, और बहुत ही ज्यादा भाई भतीजावाद चलता है, जिसके चलते एक नया यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है क्या, कि अब जितनी भी विधानसभा विधान परिषद की समूह खा और समूह गा की भर्तियां होंगी वो UP SSSC ही करेंगे। सुन के हमें खुशी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन साथ में दुख भी होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग UP SSSC आयोग का भी हाल जानते हो। सबसे बड़ी बात कि सबसे लेट लतीफ वाला जो आयोग है वो भी वही UP SSSC है। अगर मैं बात में गलत बोलूंगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, सही बोलूंगा तो भी कमेंट बताइएगा, हाँ मैं सही बोलूंगा। सबसे जो लेट आयोग है, सबसे लेट आयोग है, उसके आगे ही लेट लगा दिया जाए तो UP SSSC ये कम नहीं है। दूसरी बात, इसने एक क्या निकाला, एक PET का प्रोविजन निकाला, और ये हर वर्ष PET कराती तो है, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य होता है कि PET से भी कोई वैकेंसी होती भी नहीं है। जैसे 2022 की PET कराया, आज तक कोई वैकेंसी सुनने को नहीं मिले, और अगर कोई वैकेंसी आ जाती है तो पहले आप PET करो, उसके बाद आप मेंस करो, इसका इसका मेंस दो, और उस मेंस में अब केवल यहाँ पे जैसे दिखा होगा, आपने देखा होगा विधानसभा में 700 ज्यादा पद हैं, मैं कह रहा हूँ 700 में कुछ आपके RO ARO के भी होंगे, 500 पद लगभग आपके समूह गा के होंगे, ठीक है, समूह खा का तो UP SSSC कराएगा नहीं, समूह गा के अगर देखा जाए तो 700 में 500 पद लगभग होंगे, और वो अगर 500 पद मेंस में आएगा, मतलब आप PET का परसेंटेज समझ सकते हो कि 90-94% फेल जाएगा, मतलब वही बच्चा बार बार फिर से एग्जाम में बैठेगा, तो ये रोना हमेशा लगा रहता है। जब तक PET का एक कॉमन कट ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक मैं और आप हमेशा परेशान रहेंगे, हर अभ्यर्थी वर्ग परेशान रहेगा, और UP SSSC ऑलरेडी इतना बदनाम है, 2016 की वैकेंसी आज तक नहीं क्लियर करा पाया, इसका क्या होगा। तो एक खुशी तो है, पहले तो ये होता था चलो कम से कम ब्राइब से ही होता था, कम से कम कुछ इधर ही करके सीटें बिक जाती थी, हां भर्ती वहां पे पूर्ण होती थी, अब तो वो भी नहीं होने के आसार है। हालांकि हम एक पॉजिटिव वे में ही इसको लेके चलेंगे कि अब UP SSSC पेपर कराएगा, और सबसे हमारे लिए सबसे खुशी की बात तब होगी जब जो PET हो जाएगा इसके लिए कॉमन कट ऑफ लग जाएगा, जैसे टेट वगैरह में लगता है। तो अगर इसके आप लोग फेवर में हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि एक सही कदम इसके लिए उठाया जा सके। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इससे संबंधित जो भी सूचना होगी मैं उसे बहुत प्रॉपर तरीके से दूंगा। इतना मैं आपको बता दूं कि पहले जो इसका एज एलिजिबिलिटी सब कुछ होता था, 40 साल का एज होता था एलिजिबिलिटी, आपका जनरल, आपका ग्रेजुएशन होता था, और इसमें जो पेपर होते थे विधानसभा RO या ARO में, उसमें क्या होता था, 150 क्वेश्चन होता था, इसमें 50 GS होता था, उसमें रीजनिंग भी पूछते थे, और 100 क्वेश्चन आपकी हिंदी होती थी। बट अब पैटर्न पूरा बदल जाएगा, अगर UP SSSC करेगा तो पहले PET देना पड़ेगा, PET का पैटर्न आपको पता है, और मेंस में अगर ये RO ARO वाला हुआ तो RO ARO तो शायद UP SSSC ना कराए, वो शायद आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाए, क्योंकि वो आपका समूह खाके बढ़ दी है।
बट जो समूह गा वाली भर्ती है, क्योंकि ये इन्होंने तो न्यूज़पेपर वालों ने तो आधी बात बोल दी कि समूह खा भी यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। समूह खा के लिए यूपी ट्रिपल एससी बना ही नहीं, उसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो कराएगा। आरओ यारो की भर्ती जैसे इसमें कराता है, सचिवालय के पद निकलते उसी में वो भी सम्मिलित कर लेगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वो उसी में होगा। हो सकता है वहां पर यूपी पीएससी वाले में आरओ यारो बढ़ जाए, बट यूपी ट्रिपल एससी में जो समूह गा की भर्तियां हैं वो यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। बट उसके लिए भी जो पैटर्न होगा वो थोड़ा बहुत आपका जैसे बाकी हर का एक नया क्या निकालते हैं पैटर्न निकालते हैं, उसका हो सकता है एक नया पैटर्न यूपी ट्रिपल एससी 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन का अलग निकाले। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं इसके लिए सूचना जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि मैं जब भी सूचना लेके आऊं तो आपको अपडेट मिल जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो और मेरी बात से एग्री हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि हाँ यूपी ट्रिपल एससी का हाल क्या है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।